सात सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन प्रेषित किया। मार्च के महीने से ही छात्र अपने घरों पर हैं, वे किसी भी प्रकार से विश्वविद्यालय के संसाधन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए विश्वविद्यालय द्वारा ट्यूशन फीस के अतिरिक्त मेस, छात्रावास, पुस्तकालय शुल्क, पाठ्येतर गतिविधियों के लिए लिए जाने वाले शुल्क को माफ किया जाए। सेमेस्टर में लिए गए शुल्क, अतिरिक्त सुविधाओं के शुल्क, छात्रावास, मेस, पुस्तकालय, संस्थागत शुल्क इत्यादि को वापस किया जाए तथा नए सत्र के लिए शीघ्र छूट को निर्धारित किया जाए। उन्होंने मांग किया कि संशोधित शुल्क की सूचना विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाए, नहीं तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन करने को बाध्य होगा। इस अवसर पर महानगर संगठन मंत्री आकाश, राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद सदस्य हर्षवर्धन सिंह, प्रभात राय, प्रशांत त्रिपाठी, अभिषेक सिंह, सारिका राय, पिया सिंह मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीनदयाल नगर के इकाई मंत्री अभिषेक सिंह, उपाध्याय सरोजा सिंह ने कहा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय, जिंदाबाद, 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 छात्रों की शुल्क माफ करें, माफ करें, माफ करें, माफ करें, मेस की शुल्क माफ करें, माफ करें, माफ करें, छात्री परिषद जिंदाबाद, 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 हॉस्टल फीस माफ करें, माफ करें, माफ करें। मैं अभिषेक सिंह, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर दीनदयाल नगर का इकाई मंत्री। इस कोरोना महामारी में विश्वविद्यालय परिषद द्वारा जो भी कदम उठाया गया है छात्रों को लेके, ये उचित नहीं है। इसी के विरोध में आज विद्यार्थी परिषद छात्रावास को लेकर जो शुल्क लिया गया है, छात्रावास में अधिक से अधिक बच्चों से शुल्क लिया गया है, जो बच्चे मेस में खाना नहीं खाए हैं, जो बच्चे पुस्तकालय का उपयोग नहीं कर पाए हैं, उनको ये छात्रों को यह चाहिए कि भाई अगले वर्ष में इनको छात्र शुल्क को सम्मिलित कर ले शुल्क को। और हर पारिवारिक स्थिति सब छात्रों की सही नहीं है, और छात्रों में हर गरीब पिछड़े वर्गों की शुल्क को माफ़ करें। हम विश्वविद्यालय प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरी की जाए, और अन्यथा विद्यार्थी परिषद कड़ी से कड़ी कदम उठाएगी और इसका विरोध करेगी। मेरा नाम सुलोचना सैनी है, मैं अपने कॉलेज इकाई के उपाध्यक्ष हूँ। जैसा कि इस वैश्विक महामारी में आप सभी जान रहे हैं कि ऐसे काफ़ी मतलब फैमिली है जो कि मतलब अभी महामारी में जूझ रही है, ऐसे में हमारे जो भी है मतलब हम लोग ट्यूशन की फीस को छोड़ के बाकी मेज की जैसे बसेस हुए या फिर हॉस्टल हुए हैं, इन सब की मतलब यही है कि छूट माफ़ की जाए और आने वाले विगत वर्ष में इनकी मतलब इंक्लूड किया जाए बस। और यही मुझे अगर ऐसा नहीं होता तो क्या कार्रवाई करें, तो आगे कड़ी कार्रवाई तो की जाएगी ना इसके खिलाफ। मान लीजिए अभी हमारे जो भी हम भी लोग स्टूडेंट हैं, ऐसे में हम लोग स्टूडेंट अगर जो किसी चीज़ के उपयोग नहीं कर रहे और ऐसे हम लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग ना बसेस यूज़ किए, ना ही मेस यूज़ किए, ना ही हॉस्टल यूज़ किए, और ना लाइब्रेरी की बुकें वगैरह, मतलब यही सब को देखते हुए बस यही है मुझे महाविद्यालय प्रशासन से अनुरोध है कि इसको मतलब माफ़ किया जाए या फिर आगे मतलब आने वाले आगे विगत वर्ष में सम्मिलित किया जाए, इसको इंक्लूड किया जाए।